कुछ राइट्स के मैनेजमेंट से बातचीत करता हूँ। ये एक PSU कंपनी है, इसने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं और नतीजे मिक्स बैग या राधा थोड़ा सा कमज़ोर ही कह सकते हैं। जहाँ पे प्रदर्शन बहुत स्टेबल दिख रहा है, वहीं पे अगर आप घरेलू और बाहर के जो कंसल्टेंसी बिजनेस देखेंगे वहाँ पे थोड़ा सा दबाव है। हालांकि Q4 में रोज़ाना एक नया ऑर्डर मिला है, लेकिन किस तरह से आगे की रास्ते तय करेगी ये कंपनी, इस पर हम बातचीत करें कंपनी के CMD राहुल मित्तल से। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार जी सर, नंबर थोड़ा सा डगमगाए हुए हैं क्या? जी नमस्कार। नहीं देखिए, ऐसा था कि अगर आप नंबर्स में डीप डाइव थोड़ा करें तो हमने शुरू कहाँ की साल की और कहाँ हम एंड किए। जो हमारी दो मेन चैलेंजेस थी जब हमने साल शुरू किया था कि हमारा जो एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है वो 100 करोड़ से करीब कम था। 4 साल से हमें कोई ऑर्डर नहीं मिले थे कोविड और कोविड के बाद। और दूसरा जो हमारा एक क्वालिटी एश्योरेंस बिजनेस है जो हम करीब 40 साल प्लस से मेजर क्लाइंट इंडियन रेलवेज है, जिसका हमारा बहुत मार्जिन था इस बिजनेस में, वो फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव बिडिंग से 4 लोगों के बीच डिवाइड हुआ और रेट्स भी गिरे। तो इन दोनों का इम्पैक्ट हमको मालूम था इस साल आएगा। और हमारी स्ट्रैटेजी थी कि साल के जैसे जैसे क्वार्टर बढ़ेंगे हमें जरूर एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलने चाहिए। जो हम अभी आते आते तक 2 ऑर्डर मिल गए, बांग्लादेश और मोजाम्बिक के, पहली बार 4 साल के गैप के बाद 1200 करोड़ के। इंस्पेक्शन बिजनेस में हम लोगों ने साल के अंत आते आते तक रिकवर कर लिया कॉस्ट जो हमारा था, रिकवर कर लिया ग्राउंड। हमने नॉन IR क्लाइंट्स को करीब 50% प्लस कर दिया, तो उल्टा हो गया हमारा, ये मेजॉरिटी हो गया। और तीसरा जो हमारा कोर बिजनेस है प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, उसमें 10% ग्रोथ हुई ईयर ऑन ईयर। तो जिससे जो हमारा इम्पैक्ट था इन चैलेंजेस का, हमने पूरी कोशिश की है कि उसको मिनिमाइज कर पाए। ये हमारा साल कंसोलिडेशन का था। और विद दिस पॉजिटिव ट्रेंड सीक्वेंशियली ये कमिंग FY में आपको डेफिनेटली और पॉजिटिव नंबर्स दिखेंगे। एग्रीड सर कि आप होपफुली है, लेकिन इसमें देखिए FY 23 और 24 को भी कंपेयर करें तो बिल्कुल फ्लैट या रादर थोड़ा से कमजोर नंबर है। आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ी दिक्कत है, मुझे उस पर थोड़ा सा बताइए आप। बहुत कमजोर था वो एक्सपोर्ट वाला, कैसे वो मैनेज होगा? आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है, उसको कैसे ठीक करेंगे? तो जैसा मैंने कहा, देखिए हमें 4 साल कोविड और कोविड के बाद कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर, क्योंकि हम ज्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज वहां कम आ रही थी। अब वो बिल्डअप होनी शुरू हुई। हम पिछले 1.5 साल से बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे थे और ये दो ग्लोबल टेंडर में हमको ऑर्डर मिले पिछले 3-4 महीनों में, जो टोटलिंग टू 1200 करोड़। इनसे अब हम लोग रेवेन्यू डेफिनेटली एम करेंगे कि Q3 Q4 इस साल में आना शुरू हो जाए। पैरेलली इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में हमने बहुत जगह बिड किया है और कुछ कुछ ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं, विच विल अगेन ट्रांसलेट टू रेवेन्यू बाय दिस FY एंड बाय Q3 Q4। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस है जो डिप हुआ है, जो दोनों एक हाई मार्जिन और हाई रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, वो Q3 Q4 इस साल में आते आते आपको एक सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखेगा। राहुल सर ये चूंकि आपका पूरा बिजनेस इस बात पर निर्भर कर रहा है कि कितने आपको ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, जो पिछला क्वार्टर था ऑर्डर के लिहाज से तो अच्छा था, काफी बैक किया आपने। अब नया साल शुरू हो गया, नए साल के पहले क्वार्टर के भी 2 महीने निकल ही गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऑर्डर्स में आप L1 हैं या आपको बिल्कुल श्योर है कि वहां मिलेंगे, और कितने पे आपने बिड कर रखी, तो हमें एक मोटा मोटा अंदाजा लगे कि FY 25 में राइट्स क्या कमल करने वाला है। देखिए 31 मार्च को हमारी ऑर्डर बुक 5700 करोड़ पे एंड हुई। उसमें इनफैक्ट हम लोगों ने ये 900 करोड़ का जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, जो उसके बाद मिला अप्रैल में मिला, वो हमने ऐड नहीं किया। तो सबसे पहली बात तो ये ऑलरेडी Q1 इस साल का ऑलरेडी जो 1.5-2 महीने हुए हैं उसमें एक हेल्दी ट्रेंड हमको ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है पिछले आप 2 क्वार्टर में देखिए, Q3 और Q4 में। Q3 में हमारा पहला एक माइलस्टोन अचीव हुआ, वी बिकेम अ 1 ऑर्डर अ डे कंपनी।
और इसको हम लोगों ने फ्लैश इन द पैन नहीं था, हमने Q4 में बरकरार मेंटेन किया। Q4 में हमें 100+ ऑर्डर्स मिले टोटलिंग टू 940 करोड़। तो ये जो वन ऑर्डर अ डे कंपनी का जो हमने अपने लिए टारगेट रखा था उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, और जिस तरह से हमें Q1 का भी ट्रेंड दिख रहा है, हम ये पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि हमारी ऑर्डर बुक में सब्सटैंशियल ग्रोथ होगा बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, और हम ये वन ऑर्डर अ डे कंपनी का जो हमने एक अपना एक माइलस्टोन रखा है इसको मेंटेन कर पाएंगे। साइज क्या होता है जो आप ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, हम लोग ने बहुत जगह बोर्ड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बिड किया हुआ है, और जिस तरह से जैसे मैंने कहा जहां जहां हमें ऑर्डर्स पिछले 2 महीने मिले, आप देखें हमें जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे 13 डिफरेंट वर्टिकल है कवरिंग ऑल एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 2-3 महीने का भी आप ट्रेंड देखें, हमें रोपवे का ऑर्डर एक मिला, हमें बहुत अच्छा एक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इंस्पेक्शन क्वालिटी एश्योरेंस का ऑर्डर मिला, हमें लॉजिस्टिक्स प्लान का ऑर्डर मिला, हमें जम्मू। साइज क्या होता है सर? राहुल सर, इनका साइज क्या होता है जो ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, ऑर्डर्स और डे कितना साइज होता है इनका जनरली? देखिए, हमारे 3 ब्रॉड स्ट्रीम्स हैं, कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट और टर्नकी। इन सब के ऑर्डर साइज फर्क होते हैं। कंसल्टेंसी बाय नेचर छोटे ऑर्डर साइज होते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक एक दूसरे एंड पे हायर नंबर होता है, लार्जर साइज ऑर्डर का होता है, और जो टर्नकी है वो भी एक हायर ऑर्डर साइज होता है। जैसे अभी हमें एक 400 करोड़ का IIT भुवनेश्वर का ऑर्डर मिला, बट कंसल्टेंसी के ऑर्डर्स नॉर्मली 10 से 15 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ के होते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक ये 900 करोड़ का था। तो ब्लेंडेड मिक्स में हम एम करते हैं, क्योंकि ये कुछ हाई मार्जिन के ऑर्डर होते हैं, कुछ लो मार्जिन के होते हैं। हमारा ब्लेंडेड मिक्स में ये एम रहता है कि एक तो नंबर वन ऑर्डर अ डे हो और सब्सटैंशियल ग्रोथ इन ऑर्डर बुक मोर देन आर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, ये डेफिनेटली होनी चाहिए और ये होगी। हमारा जो एक्सपेक्टेशन, जो ट्रेंड दिख रहा है, ये FY 24-25 में ये हम डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। वो जो एक RBI वाला रूल आया था 5%, मतलब रूल नहीं आया, ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, उसका कुछ असर पड़ेगा आप लोगों को पर क्या कि एडिशनल फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी? रिपीट करें आपकी आवाज। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जो एडिशनल फाइनेंसिंग की बात चल रही है अभी, केवल गाइडलाइंस लाने की तैयारी, ड्राफ्ट, इसका असर होगा? आप लोग चिंतित हैं इससे कुछ या नहीं? नहीं, देखिए हम लोग वी आर अ डेट फ्री कंपनी, हमारा बिजनेस मॉडल कंसल्टेंसी का है, हमारा लो कैपेक्स है, दैट्स व्हाई हम अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। 95% प्लस हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो रहा है पिछले साल का। सो और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस सेक्टर्स आ रही हैं, हमें नहीं लगता कि इसमें हमें कोई इम्पैक्ट आएगा। ओके राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे से बातचीत करने के लिए, और देखते हैं FY 25 कैसे पैन आउट होता है, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए हैं सर, एन ऑर्डर डे बड़ी थिंग है, चलिए देखेंगे हम लोग इसको। और अब चलते हैं।